वेला मुंडा आ गया वहां जी। ये जो आईफोन देते हैं क्या ये ओरिजिनल होता है और क्या वाकया देते हैं या नहीं देते? कल भी ऐसा इसी लोकेशन तो व्लॉग स्टार्ट किया था, जो ही व्लॉग सारा शुरू था तो सब तो पहले तो यह ग्रीनरी नजर आई है और सब पता है ग्रीनरी तो मेरी वैसे भी फेवरेट है। असा भाई जान देहाती बंदे हैं सादे सावल सावल को मजा आवे कोई व्लॉग बनावण दे मजा आवे लो फिर दे लाहौर जैसा आदे होवे देहाती माहौल क्योंकि ऐसा है देहाती लोग। तुसा इस गल को छोड़ो तुसा वीरो गुड न्यूज दो। हाँ व्यूअर आज दे व्लॉग दे स्टार्ट है जे पे गुड न्यूज क्योंकि ऐसा पिछला 2-3 दिन हारा तो ऐसा थोक दसाया से के जनाब असा जड़ा ना पाकिस्तान दे जड़े सारे सुपरस्टार हैं पे जनाब उन्ना कोई मुलाकात करे सु कुछ नाल मुलाकात थई है थोक वीडियो दिखाई आसे लेकिन एक जड़ा ना ओ तुसा व्यूअरां दी भी विश है पई सारी भी विश है पई उ स्टार को मिलना नंबर 1 नदीम नानी वाला नंबर 2 टक्की भाई जिवे के मैं थोक दसाया के नदीम नानी वाले को पुलिस च आ गई उंदा कोई मसला बन गया है तुसा भी न्यूज देखा हो से पिछला वीडियो में दसाया है लेकिन लेकिन हुन गुड न्यूज है के ओ छुट छड़ी जबान है कुछ अल्फाज ऐसे उन्हें पे जड़े बिल्कुल ही छड़े छड़े आखने पौंदे क्योंकि सराई की सारी मीठी भी है और थोड़ी थोड़ी छड़ी भी है भाई। तो खैर ऐसा चलो अदब ना रिस्पेक्ट ना ला दें कि नदीम नानी वाला भिरा जड़ा ना थाने चो जड़ा उनका मामला तानो भुगता के घर आ चुके और उन्होंने साकुने इनवाइट किया अपने घर तो उन्होंने मुलाकात थी और बाकी भी जड़े मामला हैं इंशाल्लाह वो भी थी सन तो उन्होंने को आखसू डक्की भाई नाल भी सारी मुलाकात करवावे और तो आपको मिलवाएं दे था आप ही खुद मिल दे हां जी क्योंकि थक पता नदीम नानी वाला डक्की भाई का दोस्त है और सारा भी दोस्त है पिया भाई यार ने अभी लोग तो शुरू की था कहीं पहले मैं स्टार्ट करना पिया। अस्सलाम वालेकुम मैं अलग बात कर रहे हैं YouTube चैनल वाला बड़ा व्लॉग शुरू करना भी उन्होंने तरह कट मैंने व्यूअर तमीज ना व्लॉग शुरू करने अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक हो तो पैसा ठीक है मैं हां मोहम्मद शहजाद तो सारे देख पे हो YouTube चैनल वाला मुंडा आओ जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हमारे होटल का कुछ खूबसूरत व्यू आ जाओ जी मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग जनाब ये हमारे होटल के रिसेप्शन वाले भाई हैं माशाल्लाह बहुत ही ग्रेट पर्सन है बिस्मिल्लाह थोड़े वास्ते गुड मॉर्निंग कोई ना होसी थोड़े वास्ते सेकंड टाइम होसी पिया दोपहर का टाइम होसी लेकिन सारे वास्ते गुड मॉर्निंग है लाहौरियां वास्ते गुड मॉर्निंग क्यों क्योंकि टाइम थी ना पेवे 4:15 और नदीम नानी वाले भाई नाल सारे गुफ्तगू थी वॉइस में सुने उन्होंने 4 तुसा आ वजे मेरे घर उन्होंने लोकेशन भी सेंड साकू कर दी है बाकी छोड़ो सारा फॉर्चूनर तो लश थी भाई जान मैं उठा तकरीबन कोई 10 मैं को घिन गया चुप करके पहले इना भी तेरे खड़ी रामे तो लगे मैं सारे भाई एसी ऑन करो यार हमें पसीना आ रहा है माफी लाहौर आगे ना दी गाली चेंज है व्यूअर इसको लगा देते हैं ऑटो पे टेम्परेचर इसका सेट कर देते हैं 25 के ऊपर ये एसी भी ऑन हो चुका है लोकेशन एक्टिव कर लेते हैं ये जनाब हमारी लोकेशन स्टार्ट हो चुकी है 26 किलोमीटर 45 मिनट का सफर है कनाल रोड लाहौर ओकारा रोड ओके ओके मोबाइल को इधर रखते हैं ये लो चलो भाई रवाना नाश्ता करवा भूख लगी यार नदीम नाने वाले को मिल के उस तो बाद पी तसली नाल ना खुली रोटी खा सू फिलहाल ने हल्का पुल्का नाश्ता करे सू शेक पी के वापस आएंगे हमें नाइट स्टे और करना इधर थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया अल्लाह खुश रखे ये जो हमारा होटल है ना व्यूअर एक मिनट ये मैं सीट बेल्ट लगा लूं ये टन 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 ये खत्म हो जाए ये क्योंकि अभी जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाता ना मैं तो ये फॉर्च्यूनर टन 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 करता रहता है बाकी जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी चेक की है कितनी अच्छी सिक्योरिटी है यहाँ पर बगैर इजाजत कोई बंदा आ भी नहीं सकता और ना ही यहाँ से कोई बगैर इजाजत जा सकता है बंदा मतलब इतनी अच्छी सिक्योरिटी है जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं बहुत खूबसूरत जगह है माशाल्लाह लाहौर अच्छे बंदे ना भाई जान सिक्योरिटी नहीं टाइट था को घरों बंदाने मिलने ना मिले सिक्योरिटी टाइट खड़े है ना
ਇੱਥਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਕੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਯਕੀਨਨ ਵਿਵਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋ ਫੋਨ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਗਏ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੇਰਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਲੈਵਲ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਤਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਜੀ ਐਨ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦੇ ਖੜਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਇਨੇ ਪਰ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੈਸੋਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ ਸੋ ਅਸਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਗਿਨਾ ਬਈ ਸ਼ਕਲ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਖੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਿਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਲੇ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗਾਹ ਨਿਕਰੇ ਹਨ ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਦੇ ਖੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਕੂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਭਈ ਜਾਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਕੂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਚਾਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਗੈਨ ਗਿਆ ਇਹ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਭਾਲ ਲਿਆ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਥੋਮ ਗਿਆ ਮਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਓਏ ਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ मैंने व्यूअर नदीम नानी वाले भाई को मैसेज कर दिया कि हम रवाना हैं। उसका मुझे मैसेज आया कि मोस्ट वेलकम भाई जान। व्यूअर जा रहे थे, हमने कहा खाली हाथ ना जाए तो रस्ते में वहाँ लगे हुए गुलदस्ते, ये खूबसूरत से गुलदस्ते, इनमें से गुलदस्ता ले लेते हैं ताकि खाली हाथ ना जाए नदीम नानी वाला कर। ये इनमें से एक अच्छा सा गुलदस्ता तो दे दे। आओ, वाओ, माशाल्लाह। ये हमने खूबसूरत सा गुलदस्ता ले लिया, पैसे दे कर आ जाओ ठीक है। ये बहुत प्यारा है माशाल्लाह व्यूअर, हमारी गाड़ी हमारा खड़ा वेट कर रही है। बिस्मिल्लाह, आओ भाई जान। नहीं रेड नहीं, येलो भी है अंदर पार्टनर। तो रेड सारे लेने थे ना, वहाँ पर सारे मिक्स कलर वाले थे, सेम मतलब मुख्तलिफ एक कलर वाला कोई गुलदस्ता नहीं था, सब में लाल और रेड पीले शीले इस तरह के मतलब अलग अलग थे। ये मुझे अच्छा लगा है वैसे ना। अच्छा। ये देखना मतलब खूबसूरत सा है और प्यारा भी है भैया। गुलदस्ता तो गेंद की जरा पहले वहाँ क्या काम रोटी बाद पहले नदीम नानी वाले को मिल के ते बाद रोटी खासो, हल्का फुल्का दे गिनो शेक वेक दी कोई दुकान देखो तो रुक दे वालो थाई। फास्ट फूड वाले से खांदे सुबह सुबह ना, सुबह सुबह को फ्रूट्स वाले कैसे खाने शेक वगैरह। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, इनमें से हमें एक दर्जन केले का तो दे दे, अच्छे से केले। चित्री वाले है ना ये, चित्री वाले हाँ दे दो, ये पूरा पूरा दे दो ये जितना भी है। व्यूअर शेक नहीं मिला तो इसलिए हमने कहा चलो केले ले लेते हैं, फिर भी गुजारा चल जाएगा, नाश्ता हो जाएगा। एक किलो अंगूर भी ले रहे हैं, बुजुर्ग की हेल्प भी हो जाएगी इसी बहाने ना। ये लो जनाब धाड़ धाड़ आवे, फिलहाल गुजारा इंद करूँ बाहर जरा ना, पीछे नदीम नाने लगो मिलकर पीछे रोटी का सुन ठीक है, हल्का फुल्का गुजारा करो। और घूम घुमा के पहुंच चुके हैं लोकेशन, ये देखो लोकेशन आदि पिए 130 मीटर तुसा दूर खड़े हुए थे, लगता है वो अगला घर ही वे पिया, क्योंकि लोकेशन आदि हालांकि गांव यो पे ना वो सामने अगला घर ही वे जितना मेरे को लगता है वो गड्डिया नहीं खड़ी थी सेम वो गड्डिया अलग। ओके हम आ चुके हैं मेरे ख्याल में, इस भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, एक मिनट देंगे, नदीम नाने वाले का घर यही है। ओके गाड़ी यहाँ पर लगा दे, मिलना है उनसे, मिलना है रहता है उनसे मेरा, उन्होंने खुद मुझे बुलाया। फाइनली वर माशाल्लाह पहुंच चुके हैं और सिक्योरिटी गार्ड, आप उन्हीं का सिक्योरिटी गार्ड है। ओके माशाल्लाह, यही घर है सामने वाला। ओके ये सामने चेक करो, बड़ा ही खूबसूरत सा घर है पड़ा नदीम नानी वाले का। आपने नदीम भाई को वीडियोस में तो देखा है, माशाल्लाह बड़े ही मशहूर और मारूफ है, लेकिन घर आपने मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम ही देखा होगा मेरे वीडियो में। काफी प्यारा घर और काफी प्यारी लोकेशन पर है, काफी प्यारी सोसाइटी है। वैसे ऐसी सोसाइटी में अपना घर बनाना मेरा तो ड्रीम है मुर्शिद, सच्ची वाली बात है। ये हमने गुलदस्ता उठा लिया, वो जो ही आते हैं उनको ये पेश करते हैं मोहब्बत और रिस्पेक्ट से। जी मैंने दोबारा कॉल कर दिया, नदीम भाई ने बोला की वेट करो मैं आ रहा हूँ। फाइनली वर उन्हें गेस्ट रूम बिला देते ਉਨਾਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਥਿੰਦੇ ਪੈਨ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਸ਼ ਥਿੰਦੇ ਪੈਨ ਫਰੈਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਆਂਦੇ ਪੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਲਿੰਗ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਏਸੀ ਲਗਾ ਖੜਾ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਲੁੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਲਗਾ ਖੜਾ ਨਾ ਹਾਏ ਹੋਏ, ਅੱਲੀ ਕੋ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਕਨੇ ਘਟ ਲੈ ਲਿਆ। इस वजह से पेंडिंग हो गया था, खैर आज हमने जाना था तो इसलिए भाई आपने टाइम दिया, तो उसके लिए शुक्रिया। नहीं मसले मसाले तो खैर जिंदगी के साथ होते हैं, लेकिन यह आप हीरो बने हुए हैं माशाल्लाह, खान के साथ हैं आपको पता है, मसले तो बनेंगे, हीरो तो बने हुए हैं आप माशाल्लाह। खैर ये मामला जिंदगी के साथ जिंदगी चलते रहते हैं, आए बैठते हैं।
सुनाएं कैसे जा रही है लाइफ। लाइफ अच्छी जा रही है, बस आजकल आजकल थोड़ी सी लाइफ अटकी हुई है। अटकी हुई है बस, कोई नहीं, बस खुशी इस बात की है कि आवाम हमारे साथ है। आवाम, मैंने देखा है सोशल मीडिया पर आवाम जो है ना आपके काफी पॉजिटिव कमेंट्स, पॉजिटिव वीडियोस जा रही थी, मैंने काफी विजिट की। तो ये मामला असल में हुआ क्या था आप बताना चाहेंगे, अगर आपकी प्राइवेसी ना हो तो अलाउ करें। मसला यही है कि वो मुझे रोका गया था कि जी आप बताएं कि ये आपने नंबर क्यों लगाया हुआ है। मैंने कहा जी नंबर लिया हुआ है, लगाया हुआ है, इसको क्यों उतारे। ओके, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये नंबर नहीं आप लगा सकते। वो बस थोड़ी सी टसल होगी। मैंने कहा, उन्होंने कहा जी पर्चा दे देंगे। अच्छा। तो मैंने कहा यार आप दे दो पर्चा। ओके ओके, तो पर्चा दे दिया उन्होंने। बस वो अपना कोर्ट से, कोर्ट जज साहब ने अपना वो पर्चा उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है इस चीज का। तो बस वो मसला रिजॉल्व हो गया। ओके, अभी रिजॉल्व हो चुका है, मसला रिजॉल्व हो गया। गाड़ी इंशाल्लाह आएगी सोशल मीडिया पर। गाड़ी अभी नहीं आई, आ जाए, गाड़ी भी आएगी इंशाल्लाह, आएगी उसी नंबर के साथ आएगी और उसी नंबर के साथ घूमेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, चलो अल्लाह आपके मसलों मसाइल ये जिंदगी में खत्म करे। ये तो खैर छोटे मोटे मामला, आज ये मसला तो कल कोई ना कोई फिर मसला मसाइल तो आता रहता है। जिंदगी कहते हैं ना स्ट्रेट नहीं चलती, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, ये तो छोटे मोटे मामला कोई मसला नहीं है। अब खान साहब के खड़े होंगे इंशाल्लाह, फ्यूचर में खान साहब आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे बहुत जल्दी बाहर इंशाल्लाह, हम उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह हम भी लोगों की खिदमत करेंगे। मौका मिला इंशाल्लाह हमें भी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह जो हमारे बहनों भाइयों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो जुल्म आ रहा है इंशाल्लाह, इन लोगों को भी इंशाल्लाह हम अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। आपका नंबर वन तो आपका घर देखा है मैंने, बहुत प्यारा लगा माशाल्लाह आपका घर, जबकि आपकी वीडियोस तो लाइव मैंने देखी हुई थी। मैंने आपका घर भी व्यूवर्स को दिखाया, मेरे ख्याल में मेरे व्यूवर्स ने या आपके व्यूवर्स ने घर नहीं देखा होगा वीडियो में शायद, मुझे लगता है। अभी नया घर बना रहे हैं हम, अभी हम अपना घर बना रहे हैं, बहुत मजे का घर बन रहा है इंशाल्लाह, कुछ चार पांच महीनों बाद सोशल मीडिया पे आएगा। ओके, तो वो बड़ा बड़ा सरप्राइज है इंशाल्लाह, जब आएगा वो भी सोशल मीडिया पे चलेगा। वो देते सरप्राइज ही है आप देख लें बस। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में था, मैंने आपके साथ मेरी मुलाकात जो है ना फर्स्ट है, तो मैंने देखा है कि भाई सोशल मीडिया पर मतलब आप अक्सर आईफोन बांटते नजर आते हैं, पैसे देते नजर आते हैं। ये जो आईफोन देते हैं क्या ये ओरिजिनल होता है, और क्या वाकई देते हैं या नहीं देते? आईफोन बिल्कुल देते हैं, ओरिजिनल होता है, और खुदा की कसम मेरे हाथ में हो तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हर किसी के पास आईफोन हो, हर किसी के पास आईफोन हो। अच्छा, इतना आईफोन के साथ लव है या आवाम के साथ लव है? आवाम से इतना प्यारा कि कहता हूँ कि हर बंदे के पास आईफोन हो, अच्छा डिवाइस हो आपके पास, किसी के पास, ताकि लोग अपनी स्किल्स और टैलेंट को जो है ना वो यूटिलाइज कर सकें, दिखा सकें, तो एक गुड डिवाइस, और वो उससे पैसा अर्न कर सकें। अब लोगों के पास छोटे छोटे फोन होते हैं, ओप्पो शोपो इस तरह के, वो उनपे लोगों से उनके ऊपर आप अपनी स्किल्स को नहीं बेच सकते, उनका आप रेवेन्यू नहीं ले सकते, डिवाइस का इशूज होते हैं। तो यही चाह रहा हूँ कि अपना अच्छा जो है ना वो डिवाइस हो, अच्छा आईफोन लोगों के पास हो, तो वो पैसा अर्न करें, अपने स्किल्स को यूटिलाइज करें, टैलेंट को दिखाएं। और माशाल्लाह काफी देर नदे भरल का शप लई से उसके बाद मिलते हैं अपना हमारा। पहला मेरा पॉडकास्ट नादली के साथ आया था, दूसरा मेरा पॉडकास्ट आपके साथ आ रहा है। पॉडकास्ट आ रहा है इंशाल्लाह, वो हमने प्लान सेट किया है कल का इंशाल्लाह, कल 11 बजे या फिर 2 बजे। और इंशाल्लाह जो पॉडकास्ट आएगा ये पाकिस्तान में आग लगा देगा, इसके अंदर बहुत कुछ है। जो बंदे इस बंदे ने नादरअली का पॉडकास्ट देखा है ना, तो उसको पता है कि इस पॉडकास्ट के अंदर क्या होने वाला है, ये आग लगाने वाला है, तो इसको आप जो जरूर देखना है। और ये आप भी हमारे सराकी भाई के चैनल के ऊपर आ रहा है, जुड़े रहें, और भाई शुक्र लगाना है इंशाल्लाह आप इस व्लॉग के अंदर, और पॉडकास्ट अच्छा होना चाहिए। हाँ जी इंशाल्लाह अच्छा पॉडकास्ट होगा, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच, आप टाइम दे फैमिली, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। ओके थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। छोटे साहब कौन जी, ए कौन है? ए जनाब मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने नाम कड़की सिंह है। हाँ जी कड़की सिंह, कड़की सिंह एक टोपी बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत है, एक ए ए सेंध जो की थी। अच्छा जी किने दी? कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कड़की सिंह आ भाई। व्यूअर काफी देर होना बह के गप्पा शप्पा लाए से और काफी गुफ्तगू की थी से। नदीम भाई के घर को अल्लाह हाफिज कर रहे हैं, ये उनके सिक्योरिटी गार्ड, वो सामने मेरे ख्याल उनके दोस्त हैं या जो भी, हमें नहीं जानते। व्यूअर मैं नदीम भाई नाल बह के ना काफी चीजें डिस्कस की थी से, क्योंकि मैं कुछ ना लगता कि मेरी फर्स्ट मुलाकात है। खड़ो मैं टेंट बंद कर गई ना,
पहुंचे हैं व्यूवर लाहौर HN पे। कल भी इन्हीं को ज्वाइन किया था, जायका कमाल लगा, तो इसलिए फिर आज भी आ गए HN पर। सर कैसे खैरियत से? मजा से ठीक है आपकी? कल आपका जायका हमें अच्छा लगा, मुल्तान वाला HN हमने ज्वाइन किया हुआ है, तो हमने कहा भाई लाहौर वाला भी ज्वाइन करें, यहाँ का जायका कैसे? यहाँ पर व्यूवर रश काफी ज्यादा है पड़ा, तो उमेर वो देखें सामने वाला फॉर्चूनर हमारा, उसको ना कहीं जगह ढूंढ कर लगाने की कोशिश कर गए। पार्किंग इतनी फुल है ना, जगह ही नहीं है यहाँ पर ना, मतलब खाना अच्छा है तो इतना रश है ना, समझदार हो आप लोग। HN की एक तो सिज्जी मेरी बड़ी फेवरेट है, सेकंड जो है ना इनका जो चरसी टिक्का होता है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इनका, तो इसलिए रात भी यहीं खाना गया, आज फिर यहीं पर आ गए। सबसे पहले आ चुका है सलाद फ्रेश फ्रेश। भजन ऑर्डर में 1 किलो सिज्जी कर दे, बाकी चीजें से पूछ लें, मैं जरा आपका किचन विजिट कर लूं। यार यहाँ पर तो शादी वाला माहौल है भाई, इतना रश है लगे बंदे। इधर तो पार्किंग में जगह ही नहीं थी मिल रही, मैंने वो पार्किंग में गाड़ी खड़े करने पड़ी, तो 5 मिनट हमें वेट करना पड़ा, फिर जाके हमें जगह मिली है माशाल्लाह। इंशाल्लाह यकीन है व्यूअर, खाना इनका आउट क्लास है भाई, रश का अंदाजा आप खुद लगा लें। बुफे चल रहा है ना, ये है 4,000 रुपए के अंदर अनलिमिटेड है, दुम्बा मटन देसी जो मर्जी खाओ, जितना मर्जी खाओ, 4,000 रुपए देंगे निकाल। खाने का टेस्ट जो है ना वो गारंटी मैं देता हूँ भाई, मुझे बहुत मजे का लगा। वो सामने किचन आपका विजिट करते हैं, यहाँ पर भी मुल्तान वाला किचन लगाया हुआ है आपने, वहाँ पर भी ओपन है देसी 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 चपली कबाब। ओके ओके अच्छा, मेरा फेवरेट है जनाब चरसी टिक्का, वो किधर लगा हुआ है? चरसी टिक्का व्यूअर आपको पता है HN पे आऊं वो ना खाऊं ना मुझे मजा नहीं आता। ये सारी कढ़ाई है सलमानी कढ़ाई, व्यूअर मुंह जो पानी आना पे देख देख के। हाय मलेर क्या हाल है, ठीक हो करियत है? हाय हाय हाय, रश भी है शोर भी है व्यूअर, गुजारा करना है। हाय हाय हाय, ये है मेरे फेवरेट व्यूअर चरसी टिक्का, VIP करके दे उन्होंने मेरे को। ओके ओके ओके, माशाल्लाह बड़े मजेदार है। कोले दे उते व्यूअर हर चीज पकदी है, इथा गैस दा काम बहुत घट थिंदे, सामने बकरे ताजे फ्रेश कटींदे पैन और पकींदे पैन, ई साइड तो पकींदे पैन और खमींदे पैन, और इधर बूफे के ऊपर माशाल्लाह देखो रश लगा हुआ है, पब्लिक बड़ी मजे से खा रही है, जैसे शादी में वलीमा चल रहा होता है ना वही माहौल है, लेकिन खाना जो है ना आया देखने से अंदाजा हो रहा है। चेक करो भाई क्या चीज है, देसी मुर्गा भी है बूफे, देसी मुर्गा बूफे में, जितना मर्जी खाओ। हाय हाय, आप जान लोगे हमारी है, बता बता के। इधर माशाल्लाह VIP चावल पके हुए हैं, टिक्का शिक्का, ये क्या चीज है भजन? ये है देसी घी के अंदर बना हुआ हलवा, देसी घी में हलवा, हलवा मतलब कि ये सिर्फ खुशियां बांट रहे हैं हमको, इसमें से कमाई नहीं कर रहे, बस खुशियां। कमाल है भाई, ये तो मैं टेस्ट जरूर करूंगा जरूर। अभी आपको सारा ना टेबल पे लगा देते हैं, क्योंकि फैमिली आपके साथ, टेबल पे आपको मैं सारा करवा देता हूँ। डन 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 डन। तो सबसे पहले जनाब मैंने मंगवा लिया सिज्जी, मैंने कहा बाकी चीजें बाद में खाएंगे, सबसे पहले सिज्जी। आई है पीस चेक करो, हमारा पीस कैसा है सिज्जी के अंदर, एपी पीस है व्यूअर चेक करो, बाकी छोड़ो। अरे भाई मुझसे सबर नहीं हो रहा, मैं तो सबसे पहले गरम गरम को खाऊंगा। आए हाय नहीं रेसा सिज्जियां तेरियां, ओए होए। उसके बाद इन्होंने मंगवा लिया चरसी टिक्का, फिर मुझे सिज्जी भूल गई है, चरसी टिक्का याद आ रहा है, क्योंकि चरसी टिक्का भी आपको पता है मेरा फेवरेट है। जब सारी चीजें फेवरेट सामने आ जाए ना तो फिर मैं बुखला आ जाता हूँ, पहले क्या खाऊं, चरसी टिक्का खा दे। ओए होए होए कमाल व्यूअर। उसके बाद जनाब आ चुकी है मिल्क, ए जनी ए ए थोड़ा जी में शीरा साथ आ है, ए ए ए एक मिल्क वाल व्यूअर, ए जी में ना इना मिल्क वाल है ना, जायका भी कमाल है बेटा। फाइनली व्यूअर खाना शाना खा के अब हम जा रहे हैं नीचे, फुल हो गए हैं, बड़ा मजा आया है जनाब खा कर। अगर आप लाहौर से हो ना HN को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, कमाल का खाना है। इवें तरीफा ने पोल ना बता जिसने एक तरह खुद ज्वाइन करे सो ना, तो खुद को आइडिया थी वैसे कि शहजाद ने तरीफ की थी या ओरिजिनल चीज है। इंशाल्लाह वाल मुलाकात है, अल्लाह खुश रखे तो मियां वाली आले थे थोड़े मियां वाली दा शिना है जनाब, अल्लाह खुश रखे, बहुत शुक्रिया अल्लाह दी अमान। इधर सामने फॉर्चूनर आ गया साडा, लेजेंडर वेट कर रहे हैं अपना, बच्चे बाहर आ जाओ बच्चे। फाइनली 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 पहुंच चुके हैं वापस अपने रूम ते, जितो सुबह सुबह गया से टाइम थी पे 9:55। मजीद वाला हुने मैं व्हाट्सएप जिले ऑन किया था जिठे में नदीम नानी वाले दे मेरे को वाला मैसेज आया पे, उन्हें कहे कि शहजाद भाई कल 12 बजे इंशाल्लाह वाला पे मिलदे पे, कल 12 बजे इंशाल्लाह पॉडकास्ट करेंदे पे, मेरी पहली पॉडकास्ट सी, इंटरव्यू व्लॉग्स वगैरह तो मैं आगे भी करेंदा रहना थोड़े सामने, लोगों ने मेरे पॉडकास्ट किए लेकिन मैं कहीं दा पॉडकास्ट नहीं किया, मतलब मुकम्मल स्टूडियो दे वो पहला पॉडकास्ट करया सा, वो भी नदीम नानी वाले नाल इंशाल्लाह, वो तो सा कमिंग सून इंशाल्लाह तो सा दिखाए, उन्दे च काफी चीज आए सने पिया जेड़ा नवे नवे असा उन्दे कोलों पुछण वाले जेड़ा थको पता ही कोई नहीं। वेलकम बैक व्यूअर, वीडियो एडिट कीती मैं, वीडियो एडिट करण दे बाद वाह कीती मैं, वाह करण दे बाद वाला शहर लगे गया उठान के वाला मजीद कुछ मीठा खाधा पीता से त्राए दा टाइम है, और यहीं के नए लोग द एंड, उम्मीद तक सर दे लोग अच्छा लगे, अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करो, वाला मैं चला नहीं बना तब तक के लिए।